इटावा में एक एनएसजी कमांडो जो कि पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात है, उस पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि उसे लाठी डंडों से पूरी तरह पीटा गया। एक दिन पहले भी उसे पूरी तरह पीटा जा चुका है। पीड़ित कमांडो फरियाद लेकर अब एसएसपी के पास पहुंचा है। वाकया बकेवर थाना इलाके का है, जहां एनएसजी कमांडो राजीव भदौरिया, उनके बड़े भाई संजीव भदौरिया और उनके भतीजे शिवांशु भदौरिया के साथ गांव के ही कुछ अराजक लोगों से जमीन को लेकर विवाद हो गया था। पीड़ित कमांडो राजीव ने इस विवाद को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन को इत्तला भी दी थी, लेकिन इसी बीच गांव के करीब 2 दर्जन लोगों ने राजीव को घेर लिया, हवाई फायरिंग की और कमांडो को लाठी डंडों से पूरी तरह पीट दिया। हंगामा बढ़ने पर खेत में काम कर रहे किसानों ने बामुश्किल राजीव की जान बचाई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच ये विवाद साल 2016 से है और मामले में तहरीर के आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है। मेरा सर, मैं ग्राम फतेहपुरा थाना बकेवर का रहने वाला हूँ। मेरे को सर आए दिन गांव में निकलते गाली दी जाती है, क्योंकि मैं गांव में, मेरे पास मेरे घर में 4 से 5 लोग हैं जो अपराधी है, उसके 50 से 60 लोग हैं। लेकिन सर ये नहीं है कि अगर कोई गांव में कमजोर है या जिसके परिवार में कम लोग, उसकी माँ को गाली दोगे। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है? मैं एक सैनिक हूँ, मैं भारत माँ पे जान दे सकता हूँ और अपनी माँ को गाली खिलवाऊँ? उसका मैंने विरोध किया कि मेरी माँ को तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसका अंजाम ये हुआ, मैं रास्ते में कूट घेर के मुझे मारा, मेरी चैन ले गई, मेरा मोबाइल ले गई, मेरा रेबन का चश्मा ले गए। उसके बाद जब मैं FIR कराने जाता हूँ तो आज सुबह मैं जैसे थाने के लिए निकलता हूँ, मेरी इस कदर फील्डिंग लगती है, अगर ये हमारे पड़ोस के गांव के साथी नहीं होते तो मैं आज यहाँ घर पे शहीद हो जाता। पुलिस के पास आप गए? सर पुलिस के पास मैं कल गया था, लेकिन आज मैं थाना बकेवर नहीं पहुँच सकता था। पुलिस से आपको क्या आश्वासन? मुझे सर बकेवर पुलिस से बिल्कुल आश्वासन नहीं है, क्योंकि जो अच्छे सनोप संतोष सिंह है उसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो खनन माफिया एरिया का सबसे बड़ा, उस पर